Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज हम react करने वाले हैं Saudi Arabia celebrating Riyadh season और इतना sad माहौल चल रहा है in the world अगर हम देखते हैं कि जो भी Palestine में situation चल रही है, fellow Muslims हैं वहाँ पे and Saudi Arabia से support की अपेक्षा कर रहे हैं सब लोग, but Saudi Arabia is busy celebrating the Riyadh season. तो ये वीडियो उसी के बारे में, आपको क्या लगता है कि ये मूव जो कि है सऊदी अरेबिया का, ये सही है या नहीं है? डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो. ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, डू चेक देम आउट. लेट्स रिएक्ट टू दिस वीडियो. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी. इसराइल की गजा में बमबारी से अब तक 8,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं. 20,000 इसराइली फौज गजा के अंदर मुख्तलिफ जगहों से दाखिल हो चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से इन्हें मुसलसल मजामत का सामना है, जिसकी वजह से कई इसराइली फौजी भी मारे जा चुके हैं. मगर इसराइली मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए ग्राउंड ऑपरेशन के बजाय वो मुसलसल गजा पर रॉकेट बरसा रहा है. गजा की हालत बद से बदतर होती जा रही है और इसी दौरान यमन ने बाकायदा इसराइल पर रॉकेट बरसाकर इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है और धमकी दी है कि जब तक गजा के अंदर इसराइल अपनी दहशतगर्दी को बंद नहीं करता, तब तक ये रॉकेट हमले मुसलसल जारी रहेंगे. इन हमलों से इसराइली फौज का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और इसराइली तर्जमान ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाम से अपील की कि खुफिया होने की वजह से मैं वजाहत नहीं कर सकता, पर हमारे फौजियों का अच्छा खासा नुकसान हुआ है और हमारी आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है. यानी अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए ये नंबर्स छुपाए जा रहे हैं, जिसका सबूत ये वीडियो है, जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि इसराइली कमांडर और फौजियों को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है. इसराइल के शहर एलीद पर मौजूद बंदरगाह पर यमन की फौज ने रॉकेट फायर किए हैं, जो कि रेड सी से इसराइल को जोड़ती है. हालांकि यमन के हूसी बागी और फौज आपस में लड़ रही है, पर यमनी फौज के तर्जमान का कहना है कि हमने ये हमला इसलिए किया क्योंकि हमारी आवाम ऐसा चाहती थी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि यही मकाम एक अवाम का होना चाहिए जो कि असल रियासत होते हैं. ईरान बकायदा तौर पर इस जंग के अंदर कुछ इस तरह से शामिल है कि यमन के अंदर हूसी बागियों, लिबनान के अंदर हजबुल्ला और इराक के अंदर तमाम मुसल्ला ग्रुपों को वो सपोर्ट कर रहे हैं जो कि मुसलसल इसराइल पर हमले कर रहे हैं. इसके अलावा फलस्तीन के अंदर हमास को भी ईरान इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है. ईरान इस जंग के अंदर इनडायरेक्टली शामिल है और वो चाहकर भी इस जंग के अंदर डायरेक्टली शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग शुरू होने का खतरा है, इसीलिए वो मसलियत से काम ले रहा है. इसके अलावा रशिया और चाइना ने भी इसको मशवरा दिया है कि पहले इन मुल्कों से इनडायरेक्ट इसराइल पर हमले करवाए जाए, ऐसे मुल्कों से जो कि पहले से खाना जंगी का शिकार है, यानी लीबिया, इराक और यमन वगैरह से. और अगर फिर भी इसराइल बाज ना आया तो हम बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर शामिल हो जाएंगे. जबकि दूसरी तरफ हमास के तर्जमान का सोशल मीडिया पर यह बयान है कि हमने इसराइल की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया है, इनके कई फौजी मारे गए हैं. ये तो अभी शुरुआत है क्योंकि अभी हमें बहुत कुछ करना है. हम गजा को इसराइली फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे, तुम जंग के एक महीने के बाद अपना एक फौजी कैदी रिहा करवाने का झूठ बोलकर खुशियाँ मनाते रहो, लेकिन इस तरह से तो तुम्हें अपने 20 कैदियों को छुड़वाने के लिए 20 साल लगेंगे. याद रहे कि गजा पर जमीनी ऑपरेशन के दौरान इसराइली फौजियों ने एक फौजी कैदी को हमास से बाजियाब करवाने का दावा किया था, जिसे हमास ने झूठ कहकर पूरी दुनिया के सामने इनकी बेबसी का पोल खोल दिया है. अब इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के अंदर सऊदी अरेबिया का किरदार क्या होना चाहिए था, आप जरा सोच कर बताएं कि 46 इस्लामी मुल्कों की फौज, जिसका सरबराह है जनरल राहिल शरीफ, OIC की सरबराही होते हुए भी बजाय इसके कि मुस्लिम उम्मत को इकट्ठा करके इसराइल के खिलाफ कोई मजामत की जाती, कोई सख्त इकदाम उठाए जाते, राहिल शरीफ को ये हुक्म मिलने वाला है कि यमन से क्योंकि पहले भी बागी सऊदी अरेबिया पर रॉकेट फायर कर चुके हैं और अब भी इसराइल पर यह हमला हुआ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से सऊदी अरेबिया पर यह हूसी बागी हमला कर दें, राहिल शरीफ को अनकरीब एक मिलिट्री ऑपरेशन का यमन के अंदर हुक्म दिया जाएगा. लेकिन अफसोस कि ये फौज गजा के अंदर अमन कायम करने के लिए अब तक बाहर नहीं निकली. कल ही सऊदी वजीर दिफा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे और ये पैगाम पहुंचाया है कि सऊदी अरेबिया अब भी इस मुआहदे के लिए तैयार है, जिसके मुताबिक इंडिया से होते हुए इसराइल और इसराइल से यूरोप तक तमाम मुल्कों को कनेक्ट किया जाना था और इसने इसराइल को तस्लीम करके इसके साथ सफारती और ट्रेड के तमाम मामलात कुछ ही दिन में शुरू करने थे. यानी इसराइल को कबूल करके फलस्तीन का सौदा करना था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जो कि यूट्यूब ने डिलीट कर दी थी. और बदले में अमेरिका को बस सऊदी अरेबिया को हर तरह के हमले से सिक्योरिटी फराहम करना थी. और अब तो ये मुआहदा इसलिए भी जरूरी हो गया है कि जब से हूसी बागियों ने इसराइल पर हमला किया है, हाँ, तो सऊदी अरेबिया के हुक्मरानों को बस अपनी फिक्र पड़ गई है कि कहीं उनका इक्तदार न छिन जाए. फिर चाहे इसके बदले में हमारे फलस्तीनी भाई मरते हैं तो मरते रहे, लेकिन हमारी तरक्की नहीं बंद होनी चाहिए. सऊदी अरेबिया के ये हुक्मरान इस हद तक गिर चुके हैं कि इस वक्त के अंदर भी इन्हें सिर्फ इसराइल के साथ डील और मुआहदा ही नजर आ रहा है. शर्म से डूब मरने का मकाम है.
याद रखें कि मैं सऊदी अरेबिया की आवाम की बात नहीं कर रहा बल्कि इसके बेइस हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। वो इस दुनियादारी को तरक्की कहकर अपनी दौलत के नशे के अंदर अंधे हो चुके हैं। इन्हें गजा के अंदर सिर्फ अमन इसलिए चाहिए कि इनका VN 2030 पूरा हो सके। इसके बदले में बेशक गजा हाथ से जाता है तो चला जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रखें कि नेतन्याहू और ज़ायनिस का मानना है कि खुदा ने ग्रेटर इसराइल की सरजमीन हमें देने का वादा किया है, जो कि हम हासिल करने के बहुत करीब हैं। वो ग्रेटर इसराइल जिसमें सऊदी अरेबिया का बहुत सारा हिस्सा भी शामिल है, जिसका मतलब है कि सऊदी अरेबिया भी अनकरीब फलस्तीन के बाद इन यहूदी ज़ायनिस्ट की साजिशों का मरकज बनने वाला है। ऊपर से सोने पर सुहागा कि इसी गम और दुख की सूरत हाल के अंदर जहां पर गजा पर बमबारी और तबाही जा रही है, सऊदी अरेबिया के शहर रियाज के अंदर रियाज सीजन का बकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसके अंदर मशहूर सिंगर शकीरा इसको होस्ट कर रही है। रियाज सीजन को सऊदी एंटरटेनमेंट अथॉरिटी हर साल ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसके अंदर दुनिया भर के सेलिब्रिटीज, कंट्रोवर्शियल सिंगर्स, एक्टर्स, मॉडल्स और एक्टर्स शामिल होते हैं। हर साल हमें इस तरह के इवेंट्स के अंदर बेहयाई, फाशी, इस मुकद्दस सरजमीन और दीन इस्लाम का मजाक बनता हुआ दिखता है। बिल्कुल इसी तरह से इस रियाज सीजन से भी कुछ ऐसे ऐसे बेहयाई और बेशर्मी के वाकयात की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि इनको देख कर एक मुसलमान का सर शर्म से झुक जाता है कि इस मुकद्दस सरजमीन को एक दिन ये दिन भी देखना थे। यानी ये हुक्मरान आखिर किस हद तक गिर सकते हैं कि एक पड़ोस के अंदर भी फौतकी हो जाए तो भी हमसाए इसके गम के अंदर कुछ दिन तक शामिल रहते हैं, अपनी तमाम खुशी की रसूमात चाहे कुछ दिनों के लिए ही सही पर तर्क कर देते हैं। पर यहाँ पर तो हर रोज कई सौ मासूम बच्चों, औरतों और जवानों को बेगुनाह गजा के अंदर कत्ल किया जा रहा है, बेगुनाह बच्चों को मारा जा रहा है और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान ये बेहुदा किस्म की फैश महफिलें सजाकर पूरी दुनिया को इस मुल्क के अंदर आने की दावत दे रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क़यामत वाले दिन ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिर क्या मुंह दिखाएंगे, किस मुंह से हौज़े कोसर पर इनका सामना करेंगे? इस मुकद्दस सरजमीन ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके इनको लीड करना था, तमाम मुस्लिम उम्मत की जिम्मेदारी इसने उठानी थी, मगर अफसोस के दुनिया की मोहब्बत और चार दिन की चांदनी ने नयाश हुक्मरानों को बिल्कुल अंधा कर दिया है और इसी तरह से ये क़यामत के दिन भी उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मजलूम फलस्तीनियों की गैबी तौर पर मदद फरमाए और इन मुस्लिम हुक्मरानों को थोड़ी सी गैरत अता फरमाए। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। सो गाइस, आई अंडरस्टैंड, जो एंड मोस्ट पीपल आर ऑल्सो लाइक दैट, दैट्स व्हाट आई फील, कि ये तो एक रेस को, इस्लाम को ख़त्म करने के लिए ही जो भी इसराइल कर रहा है कि वो क्लेम करना चाहते हैं कि हमारा जो ग्रेटर इसराइल है विच हैज़ बिन प्रोमिस्ड बाय देयर प्रॉफिट, वो उसको क्लेम करने के लिए बोल रहे हैं कि हम ये सब कर रहे हैं। नेतन्याहू यही स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। एंड अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि अगर हम रिलीजन के बियॉन्ड देखें तो बेसिकली लोग मर रहे हैं। जंग, वॉर कभी भी सोल्यूशन नहीं है। पीस इज़ द सोल्यूशन, डायलॉग इज़ द सोल्यूशन, आप लोग बैठ के बात करते। लेकिन अब सिचुएशन इज़ गॉटन आउट ऑफ हैंड, यमन इन्वॉल्व हो चुका है एंड जैसे कि बोल रहे हैं कि ईरान इज़ इन्वॉल्व इनडायरेक्टली। धीरे धीरे जब और कंट्रीज़ और एलाइज उनके जुड़ते जाते हैं तो ये वर्ल्ड लेवल पर वॉर हो जाती है, एंड अगर न्यूक्लियर कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो गई तो तबाही ही तबाही है। एंड दिस इज़ अ नेवर एंडिंग चैप्टर। बेसिकली किसी न किसी कंट्री को आके यहाँ पे पीस, यहाँ पे सीज फायर लगवाना पड़ेगा, नहीं तो इनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा एंड ये बिल्कुल स्प्रेड हो जाएगा इनटू वर्ल्ड वॉर 3। सो दैट इज माई, दोज आर माई टू सेंट्स ऑन दिस। मैं ये सोचती हूँ उसके बारे में। एंड ऐसे सैड माहौल में सऊदी अरेबिया सेलिब्रेटिंग रियाद सीजन, जबकि सऊदी अरेबिया से इतनी एक्सपेक्टेशन है कि वो कुछ तो अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि ग्रेटर इसराइल में बहुत बड़ा पार्ट सऊदी अरेबिया का भी है। सो गाइस, सिद्धू व्लॉग साइनिंग ऑफ।